फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको एक विनर झोटा दिखाएंगे जो कि ऑल इंडिया एक कंपटीशन हुआ था पटियाला में, वहां पे विनर रहा। आपको एक बार मैं बैनर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, 10वीं कौमी पशुधन चैंपियनशिप अते एक्सपो 2017 पटियाला मेला विच ऑल इंडिया कंपटीशन पहला विच चैंपियन बलि इसका नाम बताया जा रहा है। तो ये देखिए मोरा नस्ल और क्या कुछ डिटेल रहने वाली है। जो इसके मालिक हैं भाई जीत सिंह, उनसे बात करेंगे किस तरह से, मतलब ये क्या अभी सेलिंग पर्पस है या फिर नुमाइश है या फिर कैसे। आ जाओ भाई, स्वागत है आपका फार्मिंग बाबा चैनल में। सत श्री अकाल जी। भाजी जरा दसो, डिटेल दो यदी कितों चैंपियन रहा ते किवें, मतलब कदों वीरे। यह मान लो 2014 दे विच इंडिया चैंपियन अपने मुक्तसर साहब मेला हुंदा इत्थे। अच्छा। इत्थे रहा ते फिर यह PDFA ते मान लो लगातार 5 साल जिहड़ा जगराऊं मेला हुंदा प्राइवेट मेला, ते फिर पटियाले 2017 दे विच इह इंडिया चैंपियन फिर बनिया जी। किन्नी बार बन चुक्या हुण तक इह? मान लो जी बच्चे तों लैके इह 18 बार चैंपियन बन चुक्या जी। उमर किन्नी होनी है? 10 साल हो गया भाई जी। पहला जिहड़ा जित्या सीगा इह कंपटीशन उदों किन्नी क उमर च जित्या सी? उदों वीरे इह सीगा 2 साल दे नेड़े, 2 दंद होया नहीं सीगा जी। मान लो जिला जित्या जी इहने, ते मुक्तसर जित्या ते जगराऊं जित्या, 3 मेले मान लो 1 साल च इहने लाए। उदों फास्ट ही रहा है कट्टियां दे विच, जिहनू आपां 2 दंद ते खीरा कह दिंदे, ओह कट्टियां दे विच फास्ट रहा जी। अच्छा, 2 दंद तो देखिए काफ़ी शानदार ये। अच्छा जय सिंह जी, ये बताओ कि इसकी क्वालिटी मतलब किस तरह की क्या कुछ है? देखो जी, क्वालिटी अग्गों पतला होना चाहिए, पिछों जिन्ना चौड़ा हुआ अग्गों धौण लंबी होनी चाहिए है जी। हाँ, ते तो सर पूरा छोटा होना चाहिए इहदा, ते सिंगी सोहनी होनी चाहिए है जी। ये भाई बता रहे हैं जो पहचान काफी शानदार। देखिए अग्गों पतला होना चाहिए जी, पिछों जिन्ना चौड़ा होगा वो दुध वाली लेनी होगी जी। अच्छा। हाँ जी, कंबल ज्यादा नहीं भारा होना चाहिए, जो आप पिछा वाली जगह ने वो भी ज्यादा ढिली होनी चाहिए। टैट मान लो मोहरों के बच्चे वो टैट चमड़ी का चाहिए, बरीक चमड़ी चाहिए जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ते हुण मतलब ये अज तुसी जिहड़ा मेले च लियाए हो परपज की है, सेलिंग दा जां की नुमाइश? देखो जी, असीं इहदियां कट्टियां दुध ते आईआं जी, ते लोकां लई विखाउण वास्ते लए आ इहनूं साण नूं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ये मतलब तुसी इहदे नाल क्रॉसिंग भी करवाने हो जां किस तरह? सीमेंट दिंदे आ भाई, सीमेंट दिंदे। ओ कीवें मिलदा, मतलब किस तरह दे? 150 रुपये दी इक डोज आ जी। अच्छा। जो 150 रुपये की एक डोज है। अच्छा। तो जेकर किसे लाना है ना गबन करना है इसनू, तो कितनी डोजा लगनी है? देखो जी, वो हीट के हिसाब से माई थे। अच्छा। दो डोजा के बीच गबन हो जाता बस। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ते रिजल्ट किस तरह का इसका? देखो जी, इहदियां कट्टियां 12 तो लैके 16 के बीच दुध है, 16 किलो दुध। तो मान लो थणा की जी बैथ है वो बड़ी वधिया आई है, लेवा हो जाती जिन्हों पाउडर कह दें, वो बहुत वधिया है जी। हाँ जी। हाँ, ते हुण जिवें जिहड़ा इहदा बच्चा उहदी डिमांड भी होएगी है ना? हाँ हाँ जी, कट्टियां की बहुत ज्यादा डिमांड है जी। बाकी उहदी कट्टियां मान लो 2 लाख तो 2.5 लाख के विच इहदियां मतलब कट्टियां सेल होंदियां, सून वालियां कद वालियां आउंदियां, सिंगी सोहणी आउंदियां, ते बड़ा आर्डर लेवा बड़ा वधिया आउंदा जी। हाँ जी। हाँ, तो भाजी थोड़ा सा हमारे भाइयों को ये थोड़ा सा पहचान बताओगे, अगर किसी ने बच्चा लेना है तो किस तरह की होनी चाहिए क्वालिटीदार, मतलब कैसे? देखो जी, कट्टी या साणा कोई भी पिछे का भारा होना चाहिए, अगे का पतला होना चाहिए, पूरी धौन गर्दन जिन्होंने कहते हैं पतली होनी चाहिए पूरी। हाँ जी। ये देखिए, आ जाओ भाजी माड़ा जा इधर आओ, एक बार फ्रेम खोल के मैं दिखाऊंगा, आप इस साइड आओ, इस साइड आओ। तो ये देखिए, तो जैसा कि भाई जी बता रहे हैं। अच्छा, आप बताओ जरा। देखो जी, अग्गा जिहड़ा धौण लंबी ते पतली होनी चाहिए, पिछा जिन्ना चौड़ा होगा जिन्हें मान लो जी सिर्फ कह दें मगली साइड, वो पूरी प्रॉपर चौड़ी होनी चाहिए, मझ दे विच भी झोटे विच भी। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ते वो मतलब क्वालिटीदार आ जी? हाँ, क्वालिटीदार जी, अग्गे दा पतला ते पिछे दा भारा जी। ते जे हाँ, जे फेस दी गल करिए जिवें है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे भाई ने बताया ये वी शेप, तो पीछे से आ जाओ एक बार। हाँ भाजी, तुहाडे कोल फिर ये देखिए, तो देखिए कितनी शानदार चौड़ी, एकदम हाथी की तरह जैसे हम देख सकते हैं, है पाजी? बिल्कुल हाथी की तरह। हाँ, तो देखिए ये देखिए शानदार। और पाजी पूंछ के लिए जैसे बताते हैं कि है ना नीचे से सफेद होना चाहिए, क्या? हाँ जी, वो मान लो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 इंच तक चलती है जी, यदि वैसे 4 इंच तो भी थोड़ी है जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ये प्योरिटी की पहचान? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मोरा दे। तो ये देखिए काफी जबरदस्त धासु जो छोटा। अच्छा, तो जरा आ जाओ भाजी फ्रंट में आओ थोड़ा सा, ये बताओ कि इसका फेस क्वालिटी कैसी होनी चाहिए,
ताकि थोड़ा सा हमारे भाइयों को नॉलेज चाहिए मत्था वो ऊपर ना नहीं होना चाहिए। एक मिनट हाँ, ये चलो मान लो ये फेस है मूर ला जी, वो ये नहीं हो बठर टैप ना हो, बहमा होना चाहिए, पत्थर होना चाहिए जी, मतलब बैठा हुआ होना चाहिए। हाँ जी हाँ, मूरों के हाँ जी हाँ। और सींग सींग मान लो पूरा प्रॉपर उत्ते चाहिए जी, मत्थे दी हाँ जी हाँ। और जैसे एक और बताते हैं ना कि यहाँ पे रिंकल्स होने चाहिए कुछ, क्या नहीं वो कोई चक्कर नहीं, वो कोई गल नहीं हाँ जी हाँ। तुम्हें खड़नी जो मोहरा दे जोड़ा पूरा टोटल ब्रीड वाला वो जो शो लगता है आगे से पूरा उठा के खड़ेगा जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये देखिए शानदार, ये आपको दूर से ही पता लग जाएगा ये होती है क्वालिटी। तो पाजी इसका मतलब डाइट प्लान आपके पास है ना, कैसे क्या कुछ होता है मतलब? देखो जी इन्हू दाना छे किलो रोज का जी, तो बाकी नाल अभी मक्की का जिन्होंने चार भी कह दें सैजला भी कह दें जी, तो बाकी हरा चारा जी, तो दुध इन अभी 3 किलो हमले 3 हमले दुध इन पिने। थोड़ा जहा डिटेल से दसोंगे मतलब ये जो चारा कि मतलब दे दें एक दिन के जे आप मतलब 8-9 किलो हैगा ये मक्की का चारा, तो हरा चारा 3-4 किलो हरा चारा दे पा दी। अच्छा हाँ जी हाँ। और कुछ एक्सट्रा फीड मतलब? नहीं फीड तो मेरे दाना 6 किलो दाना रोज का वो है जी हाँ। जे आप काउंट करिए महीने का खर्चा कि होगा? मेरे आई जाता 20,000 रुपया का खर्चा मतलब कल डाइट से? हाँ डाइट से हाँ जी हाँ। बचत है मतलब? नहीं देखो जी मेरे बचत यूँ है बी जिमें हमने कट्टिया आई हैं तो हमने सीमन की सेल होने लगी है, तो असं मान लो आह थोड़े दिन 600 डोज बेची है यदि मान लो 15-16 दिन के बची, तो करम वाला बचत वाली है जी कम मतलब। एक सीमन आपने बताया 9 साल लग गए जी इन अप होने कट्टिया आई हैं लोगों को आई फिर ही सीमन सेल होना जी हाँ जी हाँ। ते मतलब हुन तुसी 15 दिन दे विच 600 करीब डोज हां जी बेची है जी बेची सेल हो चुका है, ते रिजल्ट मतलब 100% हां जी 100% अच्छा। ते ओ किस तरह दे नाल तुहाडे नाल कलेक्ट कर सकदा जे किसी नु चाहिदा है हां जी हम च जा किवें? हां जी मान लो फार्म तो भी मिलूगा, ते वैसे ज्यादा ज्यादा फार्म तो ही दे रहे हैं असीं मन। अच्छा हां जी हां जी हां। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ? ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। अच्छा ते जिमें हुण तुहाडा जिमें डाइट प्लान ए तुहाडा हैगा मेंटेन, होर भी हैगे आ तुहाडे कोल पशु जां इक? नहीं नहीं हैगे ही हैगे, साडे कोल 17 डंगर आ जी घरे आ। अच्छा हां जी हां। ते हुण जिहड़ा किन्ने क रुपए दे विच जे डोज लैनी है? 150 रुपए नूं पर इक डोज दे रहे हैं जी हां जी, अभी सब सीमन बंदा लवा सके हां जी हां जी। ते किन्नीआं डोजां चलणगीआं हुण? देखो जी हुण जिवें मूरे मौसम है मान लो सीजन हुंदा जी, ते 3-4 हज़ार डोज लगनी चाहीदी है जी जिहड़े सामने दीआं कट्टिआं आईआं जी। सो बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त देखिए जानकारी, विनर जो ये झोटा बली इसका नाम है और कई बार एक बार नहीं दो बार ऑल इंडिया रैंकिंग पे भी रह चुका है, जैसे कि जो 10वीं कौमी पशुधन चैम्पियनशिप है वो आप पढ़ भी रहे हो कैमरे में, और एक्सपो 2017 पटियाला मेला विच्चों ऑल इंडिया कंपटीशन पहला स्थान लिया है इस झोटे ने। भाई ने काफ़ी अच्छा जो जानकारी दी, भाई का नंबर है जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, कुछ जानकारी लेनी है या सीमन खरीदना है या कोई और जानवर लेना है तो भाई से सीधा संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। तो भाइयों अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।